नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, जिसको कि आप यूपी की फ्री कोचिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तमाम तरीके के इसमें सेशन पड़े हुए हैं, और जो अभ्युदय योजना में जो है कई तरीके के कोर्स होते हैं, जैसे कि आपको बता दें NDA CDS होता है, UPSC और UPPCS होता है, JEE होता है, NEET होता है। तो तमाम तरीके की इस तरीके की परीक्षा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना के तहत आप फ्री में कोचिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा भी जो है देना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं इसका लिंक वगैरह और डिटेल्स आपको कहां पर मिलेगी। तो दोस्तों, डिटेल्स आपको मिलेगी sarkaririzalt.com पे। जी हां दोस्तों, एक ट्रस्टेबल भरोसेमंद वेबसाइट sarkaririzalt.com के एडमिशन सेक्शन पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिएगा तो जो वेबसाइट ओपन हो चेक कीजिएगा उसमें .com लगा है कि नहीं। इसी प्रकार आप एक वेबसाइट और खोल सकते हैं जिसका नाम है rozgarrizalt.com, बिल्कुल ट्रस्टेबल और भरोसेमंद वेबसाइट। सीधा हम चलते हैं फॉर्म पर। आपको बता दें फॉर्म पर सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको दो लिंक दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है लॉगिन, दूसरा दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे सारे कोर्स की जानकारी आ गई, जैसे UPSC UPPCS मेंस प्री का अलग है, मेंस का अलग है, इंटरव्यू का अलग है, NDA का, CDS का, JEE का, NEET का, और आपका अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि UPSSC PET है, TET है, PO है, बैंक है, तो इसके लिए लास्ट वाला ऑप्शन है। तो बता दें यहाँ पे इसके किसके ऑनलाइन क्लासेज है, किसके ऑफलाइन क्लासेज है, ये लिखा हुआ है। केवल इंटरव्यू के और मेंस के क्लासेज जो है ऑनलाइन होंगे, बाकी सारे क्लासेज जो है ऑफलाइन, यानी कि आपको वेन्यू दिया जाएगा, उस वेन्यू पर जाके आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपको किसी में भी रजिस्ट्रेशन करना, प्रोसेस वही है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको जो है UPPCS के एग्जाम करके दिखाता हूँ। बाकी अगर आपको किसी में बस यहां से आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं UPPCS कर देता हूं। जैसे बढ़ेंगे यहां पे आपको अपना नाम डाल देना है, मैं अपना नाम डाल देता हूं, आपको अपने पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको अपना जेंडर डाल देना है, नेक्स्ट आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से डाल सकते हैं, पहले आप इसको ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने देख सकते हैं ईयर सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे पूछा किस डिवीज़न में आप जो इसको भरना चाहते हो, तो अलग अलग डिवीज़न है, मैं आगरा डिवीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगरा में भी जो तीन जो है जोन है, जैसे फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। इसी तरह अगर आप कोई और डिवीज़न लेते हैं, जैसे प्रयागराज लेते हो, तो इसमें भी कई आ जाएगा, जैसे फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो अगर आपके आसपास का कोई जिला हो, जैसे गोरखपुर अगर मैं ले लूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर आ जाएगा। तो आपको डिवीज़न का यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पूछ रही है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन का स्ट्रीम पूछ रहा है BA BCOM BSc क्या है, और यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आप कितना नंबर जो है अपने उस सब्जेक्ट में पाए हैं। तो आप जितना भी नंबर पाए हो तो आप उसको जो है दे दीजिए। तो मैं यहाँ 960 नंबर पाया था, दे दिया। आप चाहे तो ऑब्लिक करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं कितने नंबर का था। तो मैंने यहाँ 960 नंबर लिख दिया है। इसी तरह हाई स्कूल का भी पूछ रहा है, कहाँ से पास किया है, हाई स्कूल आपने जो है कब पास किया, उसकी भी जानकारी आपको देनी है। तो हाई स्कूल में अपना पासिंग ईयर डाल देता हूँ, परसेंटेज यहाँ डाल देता हूँ कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना हाई स्कूल का जो परसेंटेज है, आपको राउंड ऑफ में लिखना है, आपको दशमलव लगा के नहीं लिखना है। मान लीजिए जो राउंड ऑफ हो डाल देना, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, मैंने रोल नंबर डाल दिया। यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। बता दें मार्कशीट का फाइल जो JPG ही रखिएगा, तो मैं लगाता हूँ अपलोड करके। तो मैंने अपनी जो है यहाँ पे मार्कशीट लगा दी है। आगे बढ़ेंगे, इंटर का भी पूछ रहा है। इंटर का मैंने जो है पासिंग ईयर डाल दिया है, परसेंटेज जो है मैंने अपना डाल दिया है, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया मैंने इंटर का, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको पूरा डिटेल्स देना है कि ग्रेजुएशन आपने जो है पास है कि अपीयरिंग है। अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, अगर आप कहाँ से कर रहे हैं उसका भी जो है आपको डिटेल देना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है, तब आपने इसको पास किया, आपका परसेंटेज जो है कितना था। तो परसेंटेज दोस्तों राउंड ऑफ में डालना है आपको। यहाँ पे आपको रोल नंबर जो है अपना डाल देना है, डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक करना है, टिक करने के बाद इसको आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों सबमिट करने से पहले पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मैं इसको सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पता चल जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आप इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, अगर आप इसको मोबाइल से भर रहे हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, ताकि जब इसके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो आप एडमिट कार्ड भी जो है डाउनलोड कर सके। तो एडमिट कार्ड की वीडियो भी हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने के लिंक दे रखे हैं, जहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें, जो लोग रजिस्ट्रेशन बना चुके हैं वो यहां से लॉगिन करने का भी ऑप्शन है, आप लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें लॉगिन करने के लिए यहां पे आपको सेशन लिखना पड़ेगा, कौन से सेशन में है। आपको यहां पे अपनी यूजर नेम या ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, और यहां पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं।